हम बात कर रहे हैं उन 12 सीटों पर जिन पर सोमवार को मतदान हो रहा है। अनिल जी, अब झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में नरेंद्र खीचड़ और श्रवण कुमार आमने सामने हैं। संतोष अहलावत का यहाँ से टिकट कटा है, क्या समीकरण इस समय बन रहे हैं यहाँ पर? नरेंद्र खीचड़ वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, अपने बीजेपी के वर्तमान विधायक को उन्होंने बीजेपी ने निवर्तमान सांसद का टिकट काट के टिकट दिया है जी। ये चौंकाने वाली बात थी। संतोष अहलावत की कोई ऐसी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी की जानकारी हमको नहीं है और बराबर उन्होंने लोगों से अपने आप को कनेक्ट करके रखा और अच्छी महिला सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी उनको एक बार अवार्ड मिला। इलाके में एक्टिव रहने वाली महिला, सक्रिय रहने वाली नेता, उनका टिकट काटा गया। मुझे तो अचंभा हुआ और उनका टिकट काट के ऑलरेडी जो आदमी विधानसभा में आ चुका जीत के उसको टिकट दे दिया गया जी। नरेंद्र खीचड़ और संतोष अहलावत का राजनीतिक रूप से वो मेल नहीं है बीजेपी में उस तरह का, ये बात तो सही है। पर संतोष अहलावत ने कोई बगावत की हो, भीतरघात की हो, ऐसी सूचना भी नहीं है। वो महिला अपने टिकट कटने के बाद भी शांति से पार्टी के साथ है, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी को कोई बहुत बड़े भीतरघात का सामना करना। इसके मुकाबले कांग्रेस के श्रवण कुमार जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं उनको हो सकता है भीतरघात का सामना करना पड़े, क्योंकि ओला परिवार के वर्चस्व, ओला परिवार जी शीशराम ओला यहाँ से 4 बार या 5 बार एमपी थे, 5 बार सांसद रहे, 5 बार सांसद थे जी, केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े दिग्गज जाट राजनीति के। उनके बेटा ब्रजेंद्र ओला भी एमएलए है, पिछली बार भी एमएलए थे, मंत्री बने थे पिछली बार गहलोत सरकार में, पिछली वाली गहलोत सरकार में। और उनकी पत्नी को शशिबाला ओला शायद नाम है, पिछली बार टिकट दिया गया, पिछली बार राजबाला ओला, ठीक है। तो वो ओला परिवार किधर जाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न राजनीति का सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है झुंझुनू में जी। क्या ओला परिवार कांग्रेस के साथ बना रहेगा? क्या ओला के समर्थक, शीशराम ओला के समर्थक, वो कांग्रेस के प्रति उतनी ही प्रतिबद्धता से चुनाव में लगे जितनी प्रतिबद्धता से विधानसभा चुनाव में लड़ते या राजबाला ओला के चुनाव में लड़ते? इसी पर झुंझुनू का नतीजा तय होगा ऐसा मुझे लगता है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से 2 बार कैप्टन अयूब खान मुस्लिम भी एमपी रह चुका है जी। देश में सर्वाधिक सैनिक देने वाला जिला, देश में सर्वाधिक शहादत देने वाला जिला झुंझुनू है और देश देशभक्ति के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है जी। ये दोनों बातें ध्यान रखें हम। और यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं, मैंने कहा ना ये तो सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला, सबसे ज्यादा शहादत देने वाले जिलों में से एक, बिल्कुल, और देशभक्ति के मुद्दे पर चुनाव जी। यहाँ लड़ाई सबसे बड़े जाट की भी है कि बड़ा जाट कौन, क्योंकि ओला परिवार को चुनौती जीते जी नहीं दे पाया कोई भी नेता, लेकिन उनके उनके मरने के बाद जी जिस तरह उनकी पुत्रवधु को टिकट दिया गया और पुत्रवधु को फिर संतोष अहलावत ने पिछली बार हराया था, मोदी लहर की शायद बात हो सकती है, वो मोदी लहर, मोदी लहर में बागी होके चुनाव लड़े थे, राजकुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा लड़े थे, रणवीर गुढ़ा भी वहाँ चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं वोटों का जो है बंटवारा हो गया था। इस बार उदयपुर वाटी वाले जो विधायक हैं, भले ही वो बसपा से हैं, राजेंद्र गुढ़ा वो कांग्रेस के साथ में है, राजकुमार शर्मा वो कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस के विधायक है, और जो पूर्व मंत्री रहे हैं रिणवा जी, राजकुमार रिणवा, वो खुद कांग्रेस पार्टी के साथ में, तो कहीं ना कहीं चुरू में है, चुरू में, लेकिन उनका असर यहाँ भी है, खांडल खांडल समाज जो ब्राह्मण समाज है उस पर उसका असर उनका है, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा लाभ श्रवण कुमार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों को, जाट समाज को लगता है कि जो खीचड़ को तो हमने विधानसभा भेज ही दिया, अब चलो श्रवण कुमार जी को लोकसभा भेज दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है न मोदी की सभा हुई और न ही दूसरे कोई बड़े नेता गए, नहीं कोई रोड शो हुआ, तो सीधी सी लड़ाई श्रवण कुमार वर्सेज नरेंद्र कुमार खीचड़ के बीच ही मानी जा रही है। देखना यह कि ओला परिवार कितना उनको सपोर्ट करता है, संतोष अहलावत क्या वाकई में नरेंद्र खीचड़ के साथ में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बगावती तेवर जरूर दिखाए थे, शुरुआत में बगावत की उनकी खबरें भी खूब आई थी, लेकिन उसके बाद उनका बिल्कुल वो शांत रही, कहीं कोई उनकी गड़बड़ी की सूचना नहीं है, सर ने सही कहा। तो देखना यह है कि जो कल मतदान होगा उसमें वहाँ का मतदाता क्या रुख दिखाता है, वहाँ भी टक्कर हो सकती, टक्कर सीधी है और कांटे का हो सकता, कांटे का मुकाबला है और मोदी लहर का असर भी रहने की उम्मीद है, और कांटे के मुकाबले में योगदान इसका है कि राजकुमार शर्मा जिसने 2 लाख वोट आए थे पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव में, वो कांग्रेस के एमएलए, और राजेंद्र गुढ़ा जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था,
वो बीएसपी के एमएलए जरूर है लेकिन वो कांग्रेस के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीकानेर की बात करते हैं। यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल और उनके कजन भाई, मौसेरे भाई मदन गोपाल मेघवाल आमने सामने हैं। देखिए मदन गोपाल मेघवाल का ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है कि लोग मदन गोपाल मेघवाल को देखकर वोट देते हैं। आईपीएस रिटायर्ड जरूर है, पहचान का संकट हो रहा है उनके सामने इलाके में, ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। जबकि रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात थी तो उनको सक्रिय होकर के अपनी भूमिका बनानी चाहिए, राजनीतिक छवि बनानी चाहिए, नहीं बनाई। लेकिन यहाँ चुनाव अगर मोदी लड़ रहे हैं तो बीजेपी जीत रही है जी। और अगर अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं तो हार रहे हैं, तो ये तो नहीं कहूंगा हार रहे हैं लेकिन उनको कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जी। चुनाव में चेहरा मोदी का है तो बीजेपी बहुत आगे, चेहरा अर्जुन राम मेघवाल का है तो उन्हें जनता के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। देवी सिंह भाटी बीजेपी के दिग्गज रहे हुए, कैबिनेट मंत्री रहे हुए, कोलायत के कई बार विधायक रहे हुए, वो खुली बगावत कर रहे हैं, बीजेपी से बाहर आ गए हैं। वो पूरे बीकानेर में घूम घूम कर उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ प्रचार किया है, वोट मांगे हैं, ऐसे में उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है। उन बताया जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल की कोई सी भी सभा ऐसी नहीं रही जहाँ पर उनको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो देवी सिंह भाटी फैक्टर है वहाँ कुछ न कुछ उनको डेंट करेगा। लेकिन यदि मोदी लहर प्रभावी है तो फिर वो कोलायत तक ही उनका जो है विरोध समेट कर रह जाएगा भाटी जी का। देखिए इसमें ये भी है कि जो बीजेपी के विधायक भी हैं, नोखा से बिहारी विश्नोई है या लूनकर्णसन से सुमित गोदारा है, उनके साथ भी कोई बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं है अर्जुन राम मेघवाल जी, तो वो अभी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मदन मेघवाल है उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी का कोई तो बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा वहां पे, मेरी बात सुनिए, चाहे बीडी कल्ला जी हो चाहे दूसरे हो, रामेश्वर डूडी जी हो, प्रतीक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, समझ लिए पंजा चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहा है, अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, इसका मतलब अशोक गहलोत लड़ रहा है या राहुल गांधी लड़ रहा है। लेकिन इस तरह जिस तरह उनकी सभा, बाकी प्रत्याशियों में तो बात हो सकती है क्योंकि मोदी जी इतना बड़ा इसमें फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन गहलोत जी के नाम पे या उस तरीके से कांग्रेस को भी मतलब अगर प्रत्याशी यहाँ जो चुना गया है या तो परिचित चेहरा होता तो मुकाबला वाकई टक्कर का हो सकता था, कांटे का। सबसे बड़ी बात यह है कि मदन गोपाल मेघवाल वहाँ कोई परिचित चेहरा नहीं है, नौकरी में रहते हुए उन्होंने बहुत कोई ज्यादा वहाँ के लोगों का भला किया ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल जिला कलेक्टर रहते हुए बीकानेर में लोगों के बहुत मदद करते थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और लगातार वो जीतते भी रहे, उनको सीधा फायदा मिला। लेकिन मदन गोपाल मेघवाल के सामने सबसे बड़ा संकट पहचान का संकट हो रहा है उनके सामने, जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, मौजूदा नेता है, वो कहीं उनके साथ नजर नहीं आते जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा उनका चर्चा सुनी है तो वहाँ सीधी सीधी लड़ाई हाथ और कमल के निशान के बीच की है, जैसे सर ने कहा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए जो मतदाता वोट देते हैं इंडिविजुअली आदमी सोच के वोट दे इसकी बात अलग है, रेवड़ के रेवड़ जो वोट दिए जाते हैं जाति के आधार पर समझ लो या वोटों के ठेकेदार मुखिया जिनको ले आके वोट डलवाते हैं, कभी कभी बड़े चेहरे को हराने के लिए भी वोट देते हैं लोग, उनके पेट में ये दर्द होता है कि ये बड़ा क्यों हो गया। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री रहे, अर्जुन राम मेघवाल सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे, अब वो जो बड़े हो गए दूसरों को तकलीफ हो, उनके बड़े होने से बड़े होने के कारण क्या होता है, कई बार जो आदमी बड़ा होता है उसकी छाया होती सिमटती जाती है, तो एक तो सिमटी हुई छाया 5 साल में, फिर 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था उस दौरान जो घटनाएं हुई उसको लेके भी समाज का एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज है। तो अर्जुन राम मेघवाल का बड़े होना ही हो सकता है कई बार ये असेट साबित होता है, हो सकता है अपनी ही छाया कई बार लाइबिलिटी बन जाती है आदमी पर, लोगों में उनके प्रति इशारे में कह रहा हूं बात को, स्वाभाविक तौर से नाराजगी बढ़ रही है उनके खिलाफ। लोग कई बार ये सोचते हैं कि किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देना, एक्स वाई जेड कोई खड़ा किसी को हराने के लिए वोट देना, किसी को हराने के लिए वोट देना, तो ये भी प्रिवेल कर सकती है भावना। और अभी देवी सिंह भाटी जी शायद यही काम ज्यादा, देवी सिंह भाटी भी ये कर रहे हैं, और मुझे मतलब ऐसा है कि उनको जो असली चुनौती मिल रही है वो अपने आप से मिल रही है अर्जुन राम मेघवाल को, उनकी जो छवि काम का। आपको लगता नहीं है कि जितना विरोध देवी सिंह भाटी जी ने अर्जुन राम मेघवाल का किया है उसके बाद मेघवाल समाज भी लामबद्ध उनके पक्ष में हुआ है? Definitely. और क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नेता ये संकट में आ गया है और राजपूत नेता की वजह से संकट में और इनकी वजह से संकट में आ रहा है,
तो कहीं न कहीं जो है वो कई सारे संकल्प बन रहे हैं, कई सारे बिगड़ रहे हैं, उनके पक्ष में समझ जैसे कुछ एक सीधी राह मुकाबला वहाँ सीधा है, लेकिन अभी जो फिलहाल देखा जाए तो मोदी लहर की वजह से अर्जुन राम प्रत्याशी के रूप में अर्जुन राम मेघवाल का कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है अर्जुन राम मेघवाल में और मदन कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। एज पॉलिटिकल लीडर अर्जुन राम मेघवाल भी आईएएस से रिटायर हो गया है, पर उन्होंने अपने आप को एज पॉलिटिकल लीडर ग्रूम कर लिया, खड़ा कर लिया देश की राजनीति में, खड़ा कर राजनीतिक पटल पर अपने आप की पहचान संसद में खड़ा कर लिया अपने एज पॉलिटिकल लीडर। नीचे वाले जो दूसरे आए कांग्रेस से उनको भी साबित करना है अपने आप को वो पॉलिटिकल लीडर हैं भी या नहीं है, जो इस चुनाव में उनकी जो इलेक्शनरिंग रही है उसको देख के लग नहीं रहा कि वो पॉलिटिकली बिहेव कर सकते हैं या पॉलिटिकली सोच सकते हैं, पॉलिटिकली एक्टिविज्म उनमें आ सकता है, अभी तक नहीं लग रहा, फिर भविष्य की तो कौन जानता है। जी चलिए अब श्री गंगानगर की बात कर लेते हैं। यहाँ से 4 बार चुनाव जीत चुके निहाल चंद मेघवाल एक बार फिर मैदान में हैं, उनके सामने भरत राम मेघवाल हैं। अनिल जी क्या लगता है 5वीं बार भी मौका मिलेगा निहाल चंद को? निहाल चंद बीच में भी एक बार हार गए थे जी, भरत राम मेघवाल से हारे थे मेरे ख्याल से, एक बार पहले हार चुके बीच में, और भरत राम मेघवाल की बारी है अभी इस बार, तो वहाँ पे निहाल चंद बारी की बात करें तो निहाल चंद मेघवाल मिनिस्टर बने थे मोदी सरकार में, बीच में हटा दिया गया उनको, और उसके बाद से वो नेपथ्य में ही हैं लगभग, तो मुकाबला भी होगा ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन भरत राम मेघवाल इस वक्त अच्छी स्थिति में वहाँ पर, क्योंकि पंजाब से लगा हुआ इलाका है, सरहद लगी हुई है दोनों जिलों की अबोहर फाजिलका की उधर से, तो पंजाब से हवा आती है और गंगानगर का मतदाता उस हवा में सांस लेता है। एक सेंटेंस में मैं सारी बात कह देना चाहता हूँ जी, बस ये समझ लीजिए पूरे राजस्थान में जो भी हवा बह रही होगी अगर, तो भी गंगानगर उस हवा से अछूता रह सकता है, और पंजाब में जो हवा बह रही होगी उसके साथ कदम ताल कर सकता है गंगानगर। नहीं, भरत राम मेघवाल का ये भी है कि पिछली बार उनको टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला था, पिछला चुनाव हार चुके थे एक बार, तो इस बार उनको टिकट दिया, पिछले 5 साल वो लगातार सक्रिय रहे, इलाके में रहे, ऐसा धरना प्रदर्शन कोई भी कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा जिसमें भरत राम मेघवाल की भूमिका नहीं रही, इसलिए, और क्योंकि पिछली बार निहाल चंद मेघवाल के सामने मास्टर भवनलाल मेघवाल को टिकट मिला था जो कि चूरू से आते हैं, तो चूरू से आते हैं, तो वहाँ के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जो लाखों में उनकी हार हुई, और लेकिन भरत राम मेघवाल हनुमानगढ़ से और स्थानीय हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उनको सीधी सी चुनौती निहाल चंद मेघवाल को दे रहे हैं, और जिस तरह से कल 6 सभाएं वहाँ पे सीएम ने की है और उसके बाद वहाँ माहौल काफ़ी बदला हुआ है, और भरत राम मेघवाल की बढ़त वहाँ काफ़ी नज़र आ रही है, लोगों को लग रहा है कि भरत राम मेघवाल जो है इनको एक बार पटकनी दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी एक बार उनको पटकनी दी थी भरत राम मेघवाल ने, तो इस बार, और फिर वहाँ पर अभी मोदी लहर का कितना असर है ये अलग बात है, लेकिन मुकाबला वहाँ सीधा सीधा दोनों के बीच ही देखा जा रहा है, तीसरा कोई आदमी भी नहीं है जो उनके मुकाबले में कहीं लड़ाई में हो, और दूसरी पार्टियों का असर भी नहीं है, ना बसपा का है ना दूसरी पार्टियों का वहाँ सर कोई है, अकाली दल वगैरह के भी लोग वहाँ प्रत्याशी खड़े नहीं करते हैं, तो सीधा मुकाबला वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, और निहाल चंद मेघवाल का सबसे बड़ी बात है कि वो सक्रिय नहीं रहते, जिस तरह से वो शुरुआत उनकी हुई थी, सबसे कम उम्र के सांसद वो बने थे, तो जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में काम किया वो पिछले 5 साल में, क्योंकि जब उनको मंत्री पद से हटा दिया गया उसके बाद वो थोड़े निष्क्रिय हो गए, पूरे 5 साल वो काम नहीं कर पाए, इलाके में गए नहीं, तो ये लोगों में नाराज़गी है कि ज़रूरी नहीं है कोई सांसद मंत्री बने तभी काम करे, वो सांसद रह के भी इलाके का काम कर सकता है, वहाँ पेयजल पानी की सांसद रहते भी कोई मतलब रेखांकित नहीं करते कोई काम, नहरी समस्या हमेशा रहती है, जिसमें मेघवाल जो भरत राम मेघवाल है हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं, हालांकि वहाँ भी जो CPM है उन्होंने खड़ा किया है, शौपत मेघवाल को खड़ा किया है, CPM के पास वहाँ तादाद में वोट है, वो उनका असर गड़साना रावला अनूपगढ़ में देखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि पानी का आंदोलन हुआ किसानों का, तो सबसे बड़ी बात है सर वो कि अब वो उनको लगेगा कि जब चुनाव अगर CPM की वजह से हार रहे हैं कांग्रेस हार जाए तो फिर वो, क्योंकि जब एक चल रहा है कि मोदी वर्सेज अदर्स, तो फिर उसका फायदा भरत राम को मिल सकता है। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भरतपुर की तरफ चलते हैं, यहाँ से कांग्रेस के अभिजीत जाटव हैं और भाजपा ने रजिता कोहली को टिकट दिया है, बसपा के प्रत्याशी सूरज जाटव भी मैदान में, हालांकि बहुत कितना प्रभाव कर रहे हैं ये आप ज्यादा बता सकते हैं? ये गंगाराम कोहली के परिवार से हैं, पुत्रवधू हैं उनकी जी, रंजीता कोहली जी, गंगाराम कोहली पहले यहाँ से बीजेपी के MP रह चुके हैं, और ये कांग्रेस ने बिल्कुल अजीब और पता नहीं किस कैलकुलेशन से करौली में भी जाटों को टिकट दिया और यहाँ भी जाटों को टिकट दिया,
वहां बैरवा को नहीं दिया, यहां कोहली को नहीं दिया। कोई नया कैलकुलेशन कांग्रेस के दिमाग में था ऐसा लगता है, क्योंकि नेता तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है जिनको कांग्रेस टिकट दिया। दोनों नए चेहरे हैं जी। इसलिए ऐसा नहीं कि आप कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग के साथ कोई नेता निकल के आया हो, 5 साल जिसने काम किया हो कांग्रेस पार्टी का, जनता के साथ लड़ाई लड़ी हो, उसको टिकट देना था। इसे जाति नहीं देखी जाती ही गई है दरअसल टिकट देते समय। इसलिए जातिगत जो बाहुल्य है उसको देखते हुए अभिजीत जाटों को चुनाव मैदान उतारा, क्योंकि पहले जो सांसद रह चुके हैं वो जाटो समाज से आते थे और इसलिए शायद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने बसपा का प्रभाव कम करने के लिए, क्योंकि बसपा से जुड़ाव जाटो समाज का ज़्यादा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि भरतपुर धौलपुर करौली में बसपा का प्रभाव इफेक्टिव है, दौसा में इफेक्टिव है, ये 4-5 और वहाँ पर जो एससी की बात करें, एससी के लिए आरक्षित सीट है, तो एससी में वहाँ जाटो बाहुल्य है, इसलिए अभिजीत कुमार जाटो को चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा। बसपा ने भी जो है जाटो प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन अब जाटो समाज के सामने संकट ये होगा कि वो बहन जी के साथ जाएंगे या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन क्योंकि इस तरह से महाराज साहब और जो बाकी लोग जो वहाँ लड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, दो मंत्री वहाँ से हैं भरतपुर से, यशवंत सिंह जी और जाटव। नहीं, इसके अलावा एक बात और है, भरतपुर सीट भले रिजर्व हो लेकिन वहाँ महाराज इफेक्टिव जाट वोट है, प्रभाव वही करना, और वहाँ का भरतपुर का राजघराना उन 2-3 राजघरानों में एक है राजस्थान में, जाट राजा है वहाँ पर जी, राजस्थान में राजपूत राजा है, भरतपुर धौलपुर में जाट राजा है, जाट राज परिवार है। विश्वेंद्र सिंह का बड़ा भारी रुतबा है, बड़ा भारी प्रभाव है। विश्वेंद्र सिंह खुद 2 बार सांसद रहे वहाँ से, उनकी पत्नी दिव्या सिंह वहाँ से सांसद रही, उनकी ममेरी चचेरी बहन है क्या कृष्ण कौर दीपा, वो वहाँ से सांसद रही। कृष्ण कौर कई बार एमएलए बनी, विश्वेंद्र सिंह कई बार एमएलए बने, अभी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, पर्यटन मंत्री हैं, और कृष्ण कौर दीपा पर्यटन मंत्री थी बीजेपी सरकार में। तो ये जो ये परिवार है वहाँ का राज परिवार, इसके प्रति अगाध श्रद्धा है उस इलाके में और ख़ास तौर पर जाटों में, तो वो निर्णायक वोट तो जाट ही है वहाँ पे, भले रिजर्व सीट है पर निर्णायक वोट वो हैं जो जाट हैं, या कभी पंडित रामकिशन ठीक है समाजवादी थे और 77 में चुने गए, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ की वो विरासत उनकी ऐसी होगी वो उनके पीछे फॉलोअर इधर उधर वोट दे दें कांग्रेस के खिलाफ। तो विरासत अगर राजनीतिक किसी के पास में है तो वो विश्वेंद्र सिंह और उनके परिवार के पास में है, और वो जो कहते हैं भरतपुर की जनता उसको काफ़ी मानती है। कांग्रेस के विधायक भी है, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, तो वो जो चाहेंगे उसका भी एक बड़ा असर यहाँ के लोकसभा के परिणाम पर देखने को मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। बताया जा रहा है कि टिकट भी उन्हीं की बदौलत मिला है, उनकी पसंद से दिया गया, उनकी पसंद से दिया गया होगा कांग्रेस से, मैं समझता हूँ पार्टी ने, पार्टी ने उनकी पसंद से टिकट दिया, और काफी वो प्रभाव मेहनत भी लगातार कर रहे हैं वो। बताया जा रहा है भरतपुर में जितनी मेहनत महाराज साहब कर रहे हैं काफी उसका असर भी नजर आ रहा है। तो सीधा मुकाबला रंजीता कोहली और उसके बीच है, जो सुरेश जाटव को खड़ा किया बसपा ने, अभिजीत जाटव माफ कीजिएगा, तो उनका असर काफी कम, कांग्रेस से अभिजीत जाटव तो कांग्रेस पार्टी से, बसपा की सुरेश, तो वो उनका क्योंकि वहाँ पे संकट ये खड़ा हो गया ऐसी मतदाताओं के बीच में जो बसपा के भी हैं, यदि वो बसपा को वोट देते हैं तो कहीं उनका जो दूसरा प्रत्याशी नहीं जीत जाए, क्योंकि वहाँ भी जाटव वर्सेज आदर्श चलेगा, वो भी एक आपको देखना पड़ेगा। जी मैं आपको कहना चाहता हूँ सामान्य सीट पर बसपा ज्यादा प्रभावशाली होती है, एससी वोटों को कैच कर लेती है और कांग्रेस को डुबो देती है, इसीलिए शायद जाटव जो सीट ही बसपा का वो प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों तरफ से एससी ही जीतना है कोई भी जीते, तो एससी वोट पोलराइज नहीं होगा बीएसपी के पक्ष में, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल आप सही कहा, मैं भी यही बताना चाह रहा था कि क्योंकि जब लगेगा उनको कि हमारा अगर दूसरे बीएसपी को वोट देंगे तो कहीं कांग्रेस पार्टी जिसके साथ सब लोग लग रहे हैं उसको कहीं मात खानी पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में अब मुख्य मुकाबला वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, बीएसपी कहीं वहाँ चक्कर में नहीं है।